रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के बरेली में दारू में पानी की जगह गलती से केमिकल मिलाकर पीने से एक की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें मीरगंज के मोहल्ला मालिकपुरा के रहने वाले रविंद्र गुप्तकिशोर और वेद प्रकाश थाने के बाहर चौबीस का ठेला लगाते हैं। तीनों लोगों ने गलती से दारू में पानी की जगह केमिकल मिला दिया और दारू पी गया, जिससे सभी की हालत खराब हो गई। मामला पुलिस को पता चला। पुलिस ने तीनों को लेकर सीएससी पहुंची, जहां डॉक्टरों ने रविंद्र को मृत घोषित कर दिया। गुप्तकिशोर और वेद प्रकाश की हालत गंभीर बनी हुई है, उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। संवाददाता फहीम अहमद। थाना क्षेत्र मीरगंज के मोहल्ला मालीपुरा के रहने वाले रामेंद्र चाउमीन का ठेका लगाते हैं। इनके ठेले के ही बगल में एक धर्मेंद्र यादव हैं, जो डेयरी का काम करते हैं। चाउमीन के संचालक के पास जो है आज उनके दो सहयोगी आए हुए थे, और उन्होंने शराब पीने के लिए अपने पड़ोसी डेयरी वाले से पानी मांगा था। पानी उनके फ्रिज में था, और पानी की बोतल से जब उन्होंने शराब में मिलाया तो उसके पीने से रामेंद्र की मृत्यु हो गई है, और दो लोग जो है बीमार हो गए हैं। जानकारी से यह बात प्रकाश में आई है कि जो डेयरी का काम करने वाले हैं धर्मेंद्र यादव, ये अपने दूध को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटर रखते हैं, और गलती से वो प्रिजर्वेटर भी केमिकल के रूप में फ्रिज में रखा हुआ था, और वही प्रिजर्वेटर को इन्होंने शराब में मिला लिया, जिसके कारण उक्त घटना का होना पाया गया है। जो आरोपी हैं धर्मेंद्र, उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब तक किसी भी प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। सारी चीज़ों को समग्र दृष्टि से देखा जा रहा है, और आवश्यक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। मैडम, जानना चाहेंगे, अभी एक मामला सामने आया है जिसमें कि तीन लोग बहुत जो लग रहा है कि जैसे जहर खाए हुए हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बीमारी? रामेंद्र मल्लीपुरा के हैं, जो ब्रॉडनेट थे, उनकी ना पल्स थी और पीपल डायलेटेड थे उनके, और बाकी दो की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। एक की तो SpO2 ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आया है, और सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के केसेस हैं। इन्होंने कुछ जहरीला या कुछ एसिडिक पदार्थ लिया हुआ है, जिस वजह से उनको ये दिक्कत हुई है, और दो को हम लोगों ने रेफर कर दिया है जिला अस्पताल बरेली में। फर्स्ट एड दे के उनको रेफर कर दिया गया है। क्या कुछ लग रहा है जिनको रेफर किया गया है, उनकी हालत कैसी है? उनमें से एक की हालत काफ़ी गंभीर है, एक के फिर भी ऑक्सीजन लेवल अभी ठीक है। यहाँ पे देखा गया है कि उसे खून की उल्टी भी हो रही है। हाँ, लगातार जो सीरियस कंडीशन है उन्हीं की है जिनको खून की उल्टी हुई है, बाकी दूसरे ने पहले ही वॉमिट कर दिया है, जहर निकल चुका है, तो वो उनके चांसेस सर्वाइवल के ज़्यादा। तीन लोगों में एक की मौत हो गई है। एक की मौत। जो मीरगंज में मामला हुआ है, ये बता रहे हैं कि थाने के सामने लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, अपना व्यापार करते हैं, क्या कुछ मामला हुआ है, कुछ बताइए विस्तार से। इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इनके लिए या इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाया है या इन्हें दिया गया है, इसकी जानकारी तो ये लोग जब होश में आ जाएंगे तभी। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं? मोहल्ला, अरे रुको, तुम मत बोलो, ये लोग मोहल्ला मालीपुरा के रहने वाले, नगर पंचायत मीरगंज जिला। क्या काम करते हैं? ये चाउमीन वगैरह के ठेले थाने के बराबर में खाली जगह में लगाते हैं। तो क्या सूचना मिली थी आपको कि क्या कुछ खाया था इन्होंने? सूचना ये मिली थी कि इन लोगों ने किसी की दुकान से उठा के पानी पिया था। अच्छा, अब पानी की जगह कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई जहरीला पदार्थ भी हो सकता है। कितने लोग हैं? तीन लोग।